मंगलवार को संविधान निर्माता भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान सपा के प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला महासचिव रायसेन तलत खान, कमल सिंह रघुवंशी, लाखन सिंह यादव, अखिलेश यादव, अहमद और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारत के संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर यहां हम सब लोग मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय शमशुल हसन बल्ली भाई के नेतृत्व में इकट्ठे होकर हम लोगों ने यहाँ भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हम आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी शमशुल हसन बल्ली भाई के नेतृत्व में हम बहुत नए आयाम को छूने का कोशिश करेंगे और तीसरा विकल्प बनने का हमारा जो सपना है वो शमशुल हसन बल्ली भाई के नेतृत्व में हम लोग साकार करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।